गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा ग्रामर पार्ट न्यू लर्नर वेल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन क्लास सेवेंथ। ये देखिए, आपको इसमें सिलेबस दे रखा है आपका, जिसमें हमारा ग्रामर और राइटिंग सेक्शन दोनों इंक्लूड है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। What is phrases? The phrase is a group of words that makes sense but not complete sense is called phrase. Phrase क्या होता है? Group of words होते हैं जो complete sense नहीं बनाते, मतलब जिससे हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमें मतलब हम कोई sense drive नहीं कर सकते उसमें से, exact meaning समझ में नहीं आती, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, मतलब हमें कुछ words दे दिए जाते हैं। जैसे आपको example दिया है at night, मतलब रात को क्या, ऑन द सेल्फ, सेल्फ पे क्या, मतलब हमें कंप्लीट सेंस हमें समझ में नहीं आ रहा कि सेंटेंस बोलना क्या चाह रहा है। देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इसे हम फ्रेजेस कहते हैं। विथ हर फादर, आफ्टर टू डेज, सम बॉयज इन द क्लास, द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई। ईच ऑफ द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सम सेंस, मतलब कुछ सेंस समझ में आ रहा है कि एट नाइट, नाइट में कुछ, बट नॉट कम्प्लीट सेंस, लेकिन हमें कम्प्लीट समझ में नहीं आ रहा कि क्या पूरा सेंटेंस बोलना चाह रहा है। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस कम्प्लीट सेंस सम मोर वर्ड्स आर रिक्वायर्ड, मतलब अगर हमें पूरा मीनिंग अगर सेंटेंस बनाना है या हमें पूरी मीनिंग एग्जैक्टली समझनी है तो हमें उसे कुछ और वर्ड्स उसमें ऐड करने पड़ेंगे। जैसे द मून शाइन्स एट नाइट, मतलब चांद रात को चमकता है। कीप दिस यूटेंसिल्स ऑन द सेल्फ, ये जो बर्तन है इसको सेल्फ में मतलब अलमारी में रख दो। शी इज लिविंग विथ हर फादर, वो अपने फादर के साथ रहती है। शी फोन मी आफ्टर टू डेज, वो मेरे को दो दिन बाद फोन की है। सम बॉयज इन द क्लास वर मेकिंग नॉइस, कुछ बॉयज जो हैं क्लास में हल्ला कर रहे हैं। द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई लुक वेरी ब्यूटिफुल, जो स्टार्स हैं जो ट्विंकल कर रहे हैं स्काई में, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। तो वही बताया गया, देखिए आपको ये वर्ड्स, कुछ वर्ड्स दिए थे, इसमें से कुछ सेंस ड्राइव हो रहा था लेकिन पूरी मीनिंग हमें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब हमने कुछ वर्ड्स इसमें ऐड किया तो हमें एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आ रही है। इसे हम कहते हैं सेंटेंस और ये इससे कहते हैं हम फ्रेजेस, जब हमें कंप्लीट सेंस समझ में नहीं आता है। अब देखिए, फ्रेजेस कैन बी ऑफ थ्री काइंड्स, फ्रेजेस तीन टाइप के होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। इसके लिए आप डिटेलिंग पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में। चलिए हम नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 4, सम मोर एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजेस। शो मी हाउ टू डू इट, अरे आपको एग्जांपल दिया हुआ है फ्रेज का, हाउ टू डू इट क्या है, यहाँ पे फ्रेज है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट इज अ फ्रेज। इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ऑफ ग्रेट ब्यूटी। देयर केम अ जायंट टू माई डोर, टू माई डोर। Humpty Dumpty sat on a wall, sat on a wall is a phrase. The tops of the mountain were covered with snow, the top of the mountains, phrase. In above sentence, the group of words in italic, मतलब ये आपको italic में जो दे रखे हैं sentence में, ये सब क्या है, phrases हैं, are phrases. Point to remember, a phrases cannot contain a predicate, मतलब phrase जो होते हैं उसमें predicate आपको कभी नहीं मिलेंगे। अब आती है नेक्स्ट टॉपिक, क्लॉज। क्लॉज भी एक तरीके से ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं लेकिन इनके खुद के सब्जेक्ट होते हैं और प्रेडिकेट होते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, वही बताया गया है कि क्लॉज क्या होते हैं, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं लेकिन इनके खुद के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, इज कॉल्ड अ क्लॉज। Look at the group of words in italic in the following sentence. अब आपको जो sentence दे रखे हैं italic में वो आपको clause है। He has a chain which is made of gold. देखिए यहाँ पे which is made of gold क्या है, clause है। Which क्या है यहाँ पे, subject है, और is made up of gold क्या है, predicate है। तो मतलब ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इनके खुद के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं, इसलिए ये क्लॉज कहलाते हैं। हियर विच इज मेड ऑफ अ गोल्ड इज नॉट अ फ्रेज, ये फ्रेज नहीं है, बिकॉज इट हैज अ सब्जेक्ट विच, इसमें सब्जेक्ट है विच, एंड अ प्रेडिकेट इज मेड ऑफ गोल्ड, इज मेड ऑफ अ गोल्ड क्या है, प्रेडिकेट है।
Since it has a subject and a predicate, it resembles a sentence, yet it is not a complete sentence. देखिए खुद का subject और predicate है तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि sentence है, लेकिन complete sentence नहीं है क्योंकि हमें पूरी exact meaning समझ में नहीं आ रही. Which is made of gold? क्या बना हुआ है gold से? Which is made of gold? Because it forms only a part of sentence. ये एक sentence का part है, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है. The italized group of words in each of the following sentence is a clause. Each clause has its own subject and predicate. जितने भी clauses होते हैं उनके खुद के subject होते हैं और predicate होते हैं. We cannot start while it is raining. मतलब हम लोग start नहीं कर सकते हैं क्योंकि बारिश हो रही. While it is raining क्या है? Clause है. People who are honest are respected. People who are, इसमें देखिए who are honest are respected. तो देखिए यहाँ पे who क्या है? Subject है. And are honest and respected क्या है? Predicate है. I think that you have made a mistake. तो that क्या होगा यहाँ पे? Subject. You made a mistake क्या होगा? Predicate. They expected that they would win the match. That subject. They would win the match. Predicate. The doctor is hopeful that he will recover soon. That he will recover soon क्या है? Clause है जिसमें से that subject है और he will recover soon predicate है. We all admire a man who is brave. Who क्या है यहाँ पे? Subject. Is brave predicate. ये भी इसमें clause है. In sentence there are two kinds of clauses. Sentence में दो kind के clause होते हैं. एक main clause या principal clause कहते हैं. दूसरा होता है subordinate clause. The subordinate clause is further divided in three kinds. हम जो पढ़ेंगे subordinate clause के बारे में पढ़ेंगे. और subordinate clause तीन type के होते हैं. Noun clause, adjective clause and adverb clause. ये आपको आगे के chapters में detailing की दी गई हुई है. देखिए phrase क्या होते हैं? Group of words होते हैं लेकिन जो complete sense हमें नहीं देते हैं. इनके subject और predicate नहीं होते हैं. और जो क्लॉज होते हैं वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और वो सेंटेंस का स्मॉल पार्ट होता है. और लेकिन इनमें मतलब ये फ्रेज से किस तरह अलग होते हैं? इनके खुद के सब्जेक्ट होते हैं और प्रेडिकेट होते हैं.